दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है ICICI बैंक से होम लोन कैसे लें और क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं। ICICI बैंक देश का, प्राइवेट बैंकों के अंदर बात करें तो देश का सबसे बड़ा बैंक है और बिजनेस की बात करें तो SBI के बाद में काफ़ी बड़ा मार्केट है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर यदि बात करें तो सर्विसेज के मामले में ICICI बैंक की सर्विसेज बहुत अच्छी है। नेट बैंकिंग वगैरह या और बाकी फीचर्स की बात करें तो बाकी बैंकों से काफ़ी बेटर है। अभी आज अपन जो बात करने जा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, वो है ICICI एक्सप्रेस होम लोन। मतलब आप यदि ICICI से होम लोन ले रहे हैं, होम लोन किस पर्पज़ से ले सकते हैं, वो यदि आप कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं या कोई बना बनाया मकान परचेज़ कर रहे हैं या आपके पास कोई पुराना मकान है उसमें रिनोवेशन के लिए आपको कोई पैसा चाहिए तो ICICI बैंक आपको उस पर होम लोन प्रोवाइड कराता है। और इस होम लोन के लिए क्या क्या पात्रता चाहिए, पात्रता के लिए आपको इनकम आपकी, चाहे आप प्राइवेट बिजनेस है या सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो तीन तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले KYC, सेकेंड हो गया आपका प्रॉपर्टी पेपर्स और थर्ड हो गया आपका इनकम प्रूफ। आप इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इनकम प्रूफ में बात करें तो आपका सैलरीड है तो सैलरी स्लिप वगैरह या रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न। KYC के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ये आपको बैंक को प्रोवाइड कराना रहता है। अब इस एक्सप्रेस होम लोन की यदि स्पेशली बात करें तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, उस पर जाके आप सीधा बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ आपको कुछ डिटेल्स डालनी रहेगी, उसके बाद आपका कितनी एलिजिबिलिटी बैठ रही है, आपका कितना लोन हो जाएगा, वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 6.5 के आसपास थी, 6.55 ICICI की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, लेकिन अभी ये बढ़ गई है, अभी 8% के आसपास है और ये समय समय पे परिवर्तन होता रहता है। तो ये चीज़ें आप इस वीडियो पे नहीं जाएं, वीडियो में आज बना रहा हूँ तो आज की रेट बता रहा हूँ, आज के एक साल बाद देखेंगे। तो आपको ये चीज़ें ICICI बैंक की वेबसाइट पर देख के और अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए, केवल इस पर वीडियो पर नहीं जाना चाहिए। वीडियो में मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, आपको मेनली प्रोसेस पे को फोकस करें, बाकी चीज़ें आप वेबसाइट पे देखें। इसके अलावा ब्रांच विजिट करें, ब्रांच के अंदर देखें, वहाँ आपको जो प्रतिनिधि या सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलेंगे उनसे सारी डिटेल पता करें। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आजकल, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0.25% से लेके और 0.5% तक, मतलब 25 पैसे से 50 पैसे के आसपास रहती है और इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बातचीत करके कम ज़्यादा करवा सकते हैं। इसके अलावा लीगल वैल्यूएशन के जो चार्जेज होते हैं, कई बार वो अलग से लेते हैं बैंक या कई बार इसके अंदर लेते हैं। अभी आजकल लगभग बैंक अलग से लेने लग गए लीगल वैल्यूएशन का, प्रोसेसिंग फीस अलग रहता है। और स्टैम्प ड्यूटी की यदि बात करें तो 0.25% राजस्थान के अंदर है, हर स्टेट वाइज ये वेरी करता है, कितना चार्ज गवर्नमेंट लेती है वो उस पर डिपेंड करता है, स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज आपको देना रहता है और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि अपन फीचर्स की बात करें तो एक नया फीचर्स और आया है ICICI बैंक के अंदर। यदि आप ICICI बैंक में आपका अकाउंट है और आपने होम लोन ले रखा है तो उसके अंदर आप पार्ट पेमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं। पहले सिर्फ ये सुविधा SBI बैंक के अंदर थी, योनो के द्वारा या नेट बैंकिंग के थ्रू द्वारा, बाकी बैंकों में ये सुविधाएं नहीं थी। धीरे धीरे अब सभी बैंक कर रहे हैं, लेकिन ICICI बैंक ने शुरू कर दिया है। iMobile यदि आप ICICI का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जाके आप होम लोन में जाके पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट आप मिनिमम एक EMI यानी कि एक किस्त और मैक्सिमम 6 किस्तें कर सकते हैं। जितना पेमेंट आपके पास एक्स्ट्रा है वो पार्ट पेमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका सीधा प्रिंसिपल में से कम होता है, जो भी पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपका ब्याज कम जाता है, इंटरेस्ट कम जाता है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये चीज़ें आपको वेबसाइट पे देखनी चाहिए, समय समय पे ये क्या परिवर्तन होते रहते हैं। RBI की गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैंक काम करते हैं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है या चार्जेज है ये समय समय पे चेंज होते रहते हैं। कई बार प्रोसेसिंग फीस ज़ीरो रहती है, कई बार गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए फ्री रहती है, तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
इसके अलावा कोई भी चीज़ अपन काम करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा अपने को छानबीन करना ज़्यादा बेटर रहता है। यदि उसके बारे में अपन जान ले तो ठीक रहता है। आज के टाइम में गूगल पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, या बैंक की वेबसाइट पे जाके अपन देख सकते हैं, उस पर प्लानिंग कर सकते हैं। और इस तरह अपन ICI एक्सप्रेस होम लोन ले सकते हैं पार्ट पेमेंट करके, और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप स्नेह बनाए रखें। आप मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्यों शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।